देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो क्या उनकी राजनीति चलती? राजनीति क्या है उनकी? यही हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की। कभी वो बताते हैं कि हमने अपने मंत्रालय में क्या किया, क्या उपलब्धियां हमारी। कभी उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या किया है। कब तक आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक पूर्वजों को गाली देते रहेंगे? बिहार के लोग, अगर यही उनकी हरकत रही तो उनके ऊपर पत्थर चलाएंगे, उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। ये जवाब जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी खालिद अंबर ने दिया है। दरअसल अक्सर मुस्लिम समुदाय को अपने बयानों से टारगेट करने वाले गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा था कि 70 साल पहले अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज भारत में ना कोई जाकिर पैदा होता, ना कोई ओबीसी पैदा होता। गिरिराज सिंह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी खालिद अनवर ने गिरिराज सिंह का धागा खोल दिया है और कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह काम करने की बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, और साथ ही कहा कि ऐसा ही चला तो जनता उनको पत्थर मारेगी, उनका निकलना मुश्किल कर देगी। साहब, 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओबेसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। गिरिराज सिंह लगातार हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का अपमान कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों को बुरा भला कहने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं मांग करता हूं कि गिरिराज सिंह को पूर्वजों को बुरा भला कहने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो क्या उनकी राजनीति चलती? राजनीति क्या है उनकी? यही हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की। कभी वो बताते हैं कि हमने अपने मंत्रालय में क्या किया, क्या उपलब्धियां हमारी। कभी उन्होंने ये बताया कि हमारी सरकार ने आपके लिए क्या किया है। कब तक आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक पूर्वजों को गाली देते रहेंगे? देश माफ नहीं करेगा। बिहार के लोग, अगर यही उनकी हरकत रही तो उनके ऊपर पत्थर चलाएंगे, उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अपने पूर्वजों को गाली देना बंद करना चाहिए। बता दें कि खालिद अनवर वही जेडीयू एमएलसी हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी में लाल किले की तस्वीर वाली बैकग्राउंड पर नीतीश कुमार को बिठाया था और ये दावा कर दिया था कि नीतीश कुमार आगे चलकर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा भी फहराएंगे। खैर, अब खालिद अनवर एक बार फिर से गिरिराज सिंह को मुंहतोड़ जवाब देने की वजह से चर्चाओं में है। देखना होगा कि खालिद के इस बयान के बाद बीजेपी या गिरिराज की तरफ से क्या पलटवार होता है। बेगूसराय से सौरभ के साथ पटना से अनिकेत की रिपोर्ट।